हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में वीडियो लेक्चर नंबर 5 तक हो गया था, पढ़ा दिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। टॉपिक है लेंस। लेंस क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और लेंस मेकर फार्मूला क्या है। इतना पढ़ने के बाद आगे सिलेबस को बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, किस तरह से जिसका आई डिफेक्ट होता है या आँख में प्रॉब्लम होता है तो वो चश्मा का यूज करते हैं, स्पेक्ट्रस का यूज करते हैं। उसी प्रकार से घड़ी बनाने वाला जो मैकेनिक्स है वो भी एक मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करता है, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करता है छोटे छोटे घड़ी के कलपुर्जों को देखने के लिए। तो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर लेंस। लेंस जो है हमारा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में भी यूज होता है। तो चलिए डिफाइन करते हैं लेंस को। लेंस इज ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्डेड बाई टू रिएक्टिंग सरफेसेस, आउट ऑफ विच वन इज कर्व्ड, आउट ऑफ विच वन इज कर्व्ड, है ना। लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल का टुकड़ा है जो दो बाउंड्री से घिरा हुआ, बाउंडेड बाई टू रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस आउट ऑफ विच वन इज कर्व, जिसमें एक निश्चित ही कर्व होना चाहिए। लेंस आर ऑफ टू टाइप्स, लेंस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉनकेव एंड सेकेंड वन इज कॉनवेक्स, है ना। कॉनकेव लेंस क्या है, चलिए देखते हैं। कॉनकेव लेंस, इफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए लेंस इज थिनर देन आउटर एज, देखिएगा, इफ सेंट्रल पार्ट ऑफ ए लेंस इज थिनर देन इट्स आउटर पार्ट दैट इज एजेस, आउटर पार्ट का मतलब एजेस है, किनारा है ना, देन इट इज कॉल्ड इट एंड इट बिहेव्स एज एंड इट बिहेव्स एज कॉनकेव लेंस, सॉरी डाइवर्जेंट लेंस, जेंट लेंस देन इट इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस, है ना। इसको हिंदी में अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। कॉनकेव लेंस आर ऑफ फोर टाइप्स। कॉनकेव लेंस चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन लिख लीजिए यहाँ पे। कॉनकेव लेंस आर ऑफ फोर टाइप्स, इक्यू कॉनकेव, बाया केव, प्लेनो केव एंड फोर्थ वन इज कॉनवेक्सो कॉनकेव। तो चलिए फिगर के माध्यम से देखते हैं ये चारों प्रकार के कॉनकेव। तो कॉनकेव लेंस ऐसा होता है ना, कॉनकेव लेंस इस तरह का होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, इक्यू कॉनकेव लेंस, बाया कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस एंड कॉनवेक्सो कॉनकेव लेंस।
चलिए इक्यू कॉनकेव लेंस, तो इक्यू कॉनकेव लेंस जैसा कि नाम से पता है इसका फिगर ऐसा होगा, इक्वली कॉनकेव रहेगा, है ना। इक्यू कॉनकेव मीन्स इसका जो सेंटर होगा इसका सेंटर लगभग इक्वल होगा। बाया कॉनकेव लेंस इस तरह का होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि इसका और इसका सेंटर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इक्वल हो। थोड़ा सा इसको ऐसा कर सकते हैं। थर्ड वन इज प्लेनो कॉनकेव, एक तरफ से प्लेन होगा और दूसरी तरफ से कॉनकेव होगा। थर्ड वन, फोर्थ वन इज कॉनवेक्सो कॉनकेव, तो कॉनवेक्सो कॉनकेव ऐसा होगा, एक तरफ से दूसरे कॉनकेव होगा दूसरी तरफ से कॉनवेक्स होगा। तो ये है हमारा फोर टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस। चलिए आगे देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, है ना। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, इसको हिंदी में उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं और इसको कॉनकेव को अवतल लेंस के नाम से। तो चलिए क्या है जी, देखिए डिफाइन कीजिए। इफ सेंट्रल पार्ट ऑफ ए लेंस इज थिकर दैन इट्स एजेस एंड इट बिहेव एज कॉन्वर्जेंट लेंस आर कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इसका सेंट्रल पार्ट मोटा होगा, है ना, कैसा होगा इसका फिगर, तो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ये इसका अपर्चर कहलाता है C1, C2, F1, F2। कॉन्वेक्स लेंस आर आर फोर टाइप्स। कॉन्वेक्स लेंस आर ऑफ फोर टाइप्स, इक्यू कॉन्वेक्स। इक्यू कॉन्वेक्स ऐसा होगा। सेकेंड वन इज बाया कॉन्वेक्स। बाया कॉन्वेक्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस सेम हो। थर्ड है प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स ऐसा होगा, एक तरफ प्लेन होगा। एंड फोर्थ वन इज कॉनकेवो कॉन्वेक्स, एक तरफ कॉनकेव होगा और दूसरी तरफ कॉन्वेक्स होगा। तो ये था हमारा लेंस और टाइप्स ऑफ लेंस। आगे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई लेंसेस।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं यूज ऑफ लेंस और लेंस से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई लेंसेस। लेंस आर कॉमनली यूज टू करेक्ट विजन डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। अक्सर लोगों को आँख में प्रॉब्लम होता है, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, या दोनों दोष होता है किसी में, है ना। तो वैसे आपके डिफेक्ट को करेक्ट करने में लेंस का यूज किया जाता है। यूज इन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमराज एंड प्रोजेक्टर। माइक्रोस्कोप वगैरह में भी लेंस यूज करते हैं, कैमरा में यूज करते हैं, प्रोजेक्टर में यूज करते हैं, और भी बहुत सारे जगहों पे लेंस का यूज किया जाता है। आगे देखिए टर्म्स यूज इन लेंसेस। लेंस में कौन कौन से टर्म हम लोग मेनली रूप में पढ़ते हैं या यूज करते हैं। तो सबसे पहले है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है? जहाँ से रे बिना डेविएट किए हुए पास हो जाए उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, है ना। द पॉइंट इन द लेंस थ्रू विच रेज ऑफ लाइट पासेज अनडेविएटेड। देखिए देखिए, ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ से रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो इसका किसी भी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बिना डेविएट किए हुए सीधे पास कर जाएगा। देखिए यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू अ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। यानी प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली रेखा अपवर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर के पास करेगा उसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, या पास होता हुआ प्रतीत करेगा। जैसे अगर इस कॉन्वेक्स केस में देखें तो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या जानते हैं, कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस, यानी ये कन्वर्जिंग नेचर का है। तो कन्वर्जिंग नेचर मीन्स रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। देखिए यहाँ से बहुत सारा रे आप खींच सकते हैं, लेकिन बहुत सारा रे खींचेंगे तो क्राउडेड हो जाएगा, गंदा दिखेगा, है ना। इसलिए दो ही रे को हम खींचे हैं। यहाँ से आ रहा है आफ्टर रिफ्रैक्टिंग पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस, तो ये कन्वर्ज करता है। इसी प्रिंसिपल की वजह से, इसकी इसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम लोग जो लेंस यूज करते हैं, जिससे कागज़ का टुकड़ा या माचिस की तीली जल जाता है, इसके इसी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। और ये क्या है हमारा कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग नेचर का है। इसमें से लेंस, इस लेंस से रे होकर के पास करता है तो डाइवर्ज कर जाता है, इस तरह से फैल जाता है, है ना। देखिए तो इसका फोकस पॉइंट कहाँ, इसको डॉटेड लाइन से खींचे, इसका फोकस पॉइंट लेफ्ट साइड मिला और इसका फोकस पॉइंट राइट साइड। तो इसका फोकस पॉइंट जो होगा या इसका फोकस लेंस जो होगा पॉजिटिव होगा, और इस लेंस का जो फोकस लेंथ होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पर रहा है ना। इसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं, और एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड जो भी डाटा आता है वो नेगेटिव में, और जो भी राइट साइड में जाता है वो पॉजिटिव में। आगे देखिए फोकस, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस लेंथ, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए लेंस इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। तो इसका फोकल लेंथ सी एफ कितने, किसके बराबर, तो स्मॉल एफ के बराबर। इसका फोकस लेंथ क्या होगा, सी एफ, ये सी है तो स्मॉल एफ, है ना। ध्यान में यही देना है, यही रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाई लेंसेस, और छह कंडीशन है इमेज फॉर्मेशन का। इसके बाद आगे हम लोग लेंस मेकर फार्मूला को ड्राइव करेंगे। चलिए आगे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई लेंसेस। इमेज फॉर्मेशन बाई लेंस डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट नेचर और टाइप का इमेज बनता है। इसके पहले हम लोग रूल पढ़ लेते हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाई लेंसेस। तो देर आर थ्री रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाई द लेंसेस। फर्स्ट रूल और रूल वन, वेन रे ऑफ लाइट passes parallel to principal axis, then after refraction through convex lens
it passes from focus point point on the principal axis or appear to pass from the focus point on the principal axis in case of concave lens, है ना। चलिए इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं। क्या मैंने बताया कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो रिफ्रैक्शन के बाद कॉन्वेक्स लेंस के केस में प्रिंसिपल पॉइंट फोकस पॉइंट से जाता हुआ दिखेगा और कॉन्केव लेंस के केस में फोकस पॉइंट से जाता हुआ प्रतीत होगा। इसमें जाता हुआ पास दिखेगा, देखिए ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है और ये रे आ रहा है यहाँ से थोड़ा से पास कर, ये हो गया फोकस पॉइंट। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इस केस में देखिए ये चूंकि मेरा कन्वर्जिंग लेंस है और ये मेरा डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए इसमें चूंकि ये डाइवर्ज कर जाएगा अरे यहाँ से इसमें जाता हुआ प्रतीत होगा एक पॉइंट से, इसलिए इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो ये है मेरा फर्स्ट रूल, इसको एकदम अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि जो भी रे प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला रे अपवर्तन के बाद यानी रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर जाएगा या प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पॉइंट से होकर जाएगा उसको फोकस पॉइंट कहते हैं और कॉन्वेक्स के केस में और कॉन्केव के केस में जाता हुआ प्रतीत होगा, है ना, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रेन एरे ऑफ लाइट पासेस passes from principal focus then after refraction through lens it passes parallel to principal axis or appear to parallel to principal axis in case of convex lens or appear to pass parallel to principal axis in case of concave lens। चलिए रे डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल फोकस पे इंसिडेंट कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस पे इंसिडेंट कर रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से होकर के पास करेगा,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये प्रिंसिपल फोकस पे इंसिडेंट किया, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से होकर जाएगा, शुक्लार नक्ष के समानांतर इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इस केस में देखिए तो ये तो डाइवर्जिंग नेचर का है, डाइवर्ट कर देता है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस तरह से जाता हुआ आगे देखते हैं हम लोग। फिगर में थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है, इसको अच्छे बनाइए। ये यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूम सेंटर जो नेक्स्ट रूम देखते हैं। When a ray of light passes from optical center, then it passes straight without any deviation, यानी कि जब प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो उसका किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा, वो स्ट्रेट अपने लाइन में पास कर जाएगा बिना किसी डेविएशन का। देखिए यानी कि जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो इसका किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये अपर्चर जानते हैं आप लोग, एमएम अपर्चर। इससे कैसे हम देखिए कौन के कैसे ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाला रे बिना किसी डेविएशन का आगे चला जाता है। तो ये था हमारा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। आगे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन और ये हुई 6 कंडीशन है कॉन्वेक्स केस में और 2 कंडीशन मिक्सर केस में है, तो सारे का इमेज फॉर्मेशन देखते हैं एक-एक करके।
चलिए आगे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई लेंसेस। इमेज फॉर्मेशन फर्स्ट कंडीशन, एक चार्ट बना लीजिएगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। चलिए ये सारे इमेज कंडीशंस के लिए ये काम करेगा लिस्ट। चलिए फर्स्ट देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी। तो इमेज फॉर्मेशन बाई यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कॉनवेक्स लेंस, है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनाइट पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है, अनंत पे। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल एंड वर्टेड। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। चलिए इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं, इस तरह से फिगर बना देंगे इसका। इनफाइनाइट से रे आ रहा है अनंत से, और आपका रिफ्रैक्शन कहाँ से होकर के जाएगा, प्रिंसिपल फोकस से। तो फर्स्ट कंडीशन का ये हमारा इमेज बनेगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं इसमें दो डबल फोकस होता है, एक F1 और एक 2F1, F2 और 2F2, है ना। और इस ऑप्टिकल सेंटर है, ये मेरा अपर्चर है MN, ये रे है, रे डायग्राम इस तरह से। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये है मेरा फर्स्ट कंडीशन। अपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट इन्फिनिटी। पोजिशन ऑफ इमेज एट फोकस। इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा पॉइंट साइज का। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट, व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एंड डबल फोकस। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट और डबल फोकस के बीच में रखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बिटवीन 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 F1 एंड F2 F2 एंड 2F2, है ना। F2 और 2F2 के बीच में बनेगा इसका इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, साइज होगा स्मॉल साइज। स्मॉल लिख सकते हैं या फिर डिमिनिश्ड, सबसे अच्छा डिमिनिश्ड ही होगा। चलिए इसका देख लीजिए इमेज फॉर्मेशन। ये अपर्चर हो गया,
ये एफ वन है, टू एफ वन, ये एफ टू है और ये टू एफ टू है। एम एन अपर्चर है, मतलब ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं यहाँ पे, इन्फिनाइट इन्फिनाइट और डबल फोकस के बीच में। तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, इसको इस तरह से बना दीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से होके जाएगा, तो प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगा। यहाँ से पास करवा दें और एक रे कहाँ से होकर जाएगा, एक रे को आप पास करवा दें ऑप्टिकल सेंटर से। तो इमेज मेरा यहाँ बन जाएगा, यानी फोकस और डबल फोकस के बीच में ए बी और ए डस बी डस, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज फॉर्मेशन फोकस और डबल फोकस के बीच में राइट साइड बनेगा। तो ये हमारा सेकेंड कंडीशन है, वेन ऑब्जेक्ट पोजिशन का, वेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड डबल फोकस, डबल फोकस और इधर इन्फिनिटी हो गया इन्फिनाइट। इसका इमेज क्या बनेगा, फोकस और डबल फोकस के बीच में कैसा बनेगा, तो रियल इन्वर्टेड, और कैसा होगा इसका साइज, तो डिमिनिश्ड साइज। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट placed at double focus, position of image double focus on the right side, its nature kya hoga, real and inverted, size of image kya hoga, सेम साइज का। चलिए इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं। इस बार ऑब्जेक्ट को डबल फोकस पे रखा गया है, इसका इमेज भी डबल फोकस पे ही बनेगा। ये मेरा एफ वन है, ये टू एफ वन है, ये एफ टू है और ये टू एफ टू है। ये ऑप्टिकल सेंटर ओ या सी से डिनोट करते हैं इसको, और ये अपर्चर है एम एन, ये प्रिंसिपल फोकस। चलिए इसका ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर देते हैं, इसका इमेज फॉर्मेशन कर देंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला रे रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से होके पास करता है, तो फोकस पॉइंट से। एक रे को यहाँ से पास करवा दीजिए इसको आप अच्छे तरह से मेजर करके बनाएंगे तो बन जाएगा, है ना एकदम यहाँ से। चूंकि हमारा कोई मेजरमेंट नहीं है, अंदाज पे लिया हुआ है, ये इसका डबल होता है फोकस लेंथ का, डबल फोकस डबल होता है, तो इसको आप मेजर करके बनाएंगे तो एक्यूरेटली बन जाएगा और सेम साइज के बनेगा। इसको देखिए नाम दे दीजिए ए बी और ए डस बी डस। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग डबल फोकस पे रखेंगे तो इमेज भी डबल फोकस पे ही बनेगा, कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, और साइज क्या होगा, सेम साइज का होगा, ना तो छोटा और ना ही बड़ा बनेगा। किधर बनेगा, तो राइट साइड, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज
राइट साइड डबल फोकस पे, चूंकि लेंस हमारा दो कर्व सरफेस से घिरा होता है इसलिए इसका दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो फोकस लेंथ, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग डबल फोकस भी कहते हैं क्योंकि फोकस का वो दुगने लेंथ का होता है, इसलिए डबल फोकस। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, वेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन डबल फोकस, वेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन डबल फोकस एंड फोकस, पोजिशन ऑफ इमेज, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन बिटवीन डबल फोकस एंड इन्फिनिटी, रियल नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ इमेज क्या होगा, लार्ज साइज। इस बार साइज कैसा होगा, तो बड़ा होगा, इनलार्ज्ड होगा। चलिए आगे देखते हैं इसको फिगर के माध्यम से, इस तरह से इसको इसका फिगर, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम मेजरमेंट करके नहीं बना रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत एरर आएगा, आप लोग मेजर करके बनाएंगे तो आपका एरर नहीं आएगा। हम टोटली यहाँ पे इस बार देखिए मेरा डबल फोकस है, 2F1, F1, F2 और डबल F2, ये ऑप्टिकल सेंटर C या O, MN मेरा ये अपर्चर है MN। चलिए इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए, तो डबल फोकस और फोकस के बीच में, इसका इमेज फॉर्मेशन कर दीजिए। क्या जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला रे कहाँ से होके जाता है, फोकस पॉइंट से होके जाता है। ये गुजार दिए एक रे को, दूसरा रे को आप पास करवा दीजिए, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाने वाला रे बिना किसी डेविएशन का पास करता है, तो यहाँ से पास करवा देंगे आप तो इसका डेविएशन नहीं होगा, ये सीधे पास करता चला जाएगा। इसको आगे खींच दीजिए, इसका इमेज बन जाएगा। तो देखिए इसका इमेज यहाँ बना, एनलाइज बना, ऑब्जेक्ट ए बी है और इमेज ए डस बी डस। तो वेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन डबल फोकस एंड फोकस, डबल फोकस एंड फोकस, इमेज कहाँ बनेगा, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन डबल फोकस एंड इन्फिनिटी, बिटवीन डबल फोकस एंड इन्फिनिटी, कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक रेखाओं के कटान बिंदु से बना इसलिए रियल, और देखिए इन्वर्टेड मीन्स उल्टा, कैसा है, तो लार्ज साइज का या इनलार्ज्ड, इसको हम लोग इनलार्ज्ड भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, वेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, एट सिंगल फोकस, इमेज कहाँ बनेगा, एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी, साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड आप लिख सकते हैं, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए इसका इमेज बना दीजिए फिर से, ये मेरा फोकस है F1, 2F1, F2 एंड 2F2,
इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा हूँ, फोकस पे, फोकस पे। ये मेरा अपर्चर हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर सी या ओ सेलेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बात करने वाला रे कहाँ से होके जाता है, तो फोकस से होके जाता है। एक रे को आप यहाँ से पास करवा दें, तो देखिए ये दोनों रे पैरेलली पास कर रहा है, इसलिए दोनों को इमेजिन कर लिया जाता है कहाँ मीट करेगा, इनफाइनाइट पे। तो इसका इमेज जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सिंगल फोकस, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी को दिखा तो सकते नहीं है, लेकिन ये इमेजिन किया जाता है कि ये दोनों रे कहाँ पे जा करके मिलेगा, अनंत पे। कैसा होगा ये नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, हाईली एनलाइट। तो ये था मेरा फिफ्थ कंडीशन। चलिए लास्ट कंडीशन देखते हैं, एक और बच रहा कंडीशन इसमें, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस एंड पोल या ऑप्टिकल सेंटर भी लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, उसी साइड में बनेगा जिस साइड में ऑब्जेक्ट को रखा गया, सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट। कैसा बनेगा, इस बार वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या होगा, इसका साइज इनलाइज होगा, बड़ा बनेगा। चलिए देख लीजिए फिगर के माध्यम से, ये है मेरा कॉन्वेक्स लेंस और इसका ये अपर्चर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस सिंगल फोकस, ये डबल फोकस, F1 2 F1 F2 and 2 F2। ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो लगा दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाला रे कहाँ से होके पास करता है, फोकस से, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस। एंड एक रे को यहाँ से पास करवा दीजिए ऑप्टिकल सेंटर से, तो चूंकि देखिए ये दोनों रे कहीं मिलेगा नहीं, आगे डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए इसके इमेज फॉर्मेशन के लिए इसको पीछे खींचेंगे और जहाँ दोनों मीट करेगा वहीं इसका इमेज बनेगा। तो चलिए मीट खींच दीजिए आगे, देखिए यहाँ पे इसका इमेज बना, दोनों यहाँ पे मीट किया और काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट ए बी और इमेज ए डस बी डस। तो इस तरह से हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस देख चुके, छः कंडीशन था, छः वो कंडीशन का किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है। ये लास्ट कंडीशन क्या था, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट ए बी को रखे हैं, इसका इमेज कहाँ बना, द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड इमेज बना, कैसा नेचर था, तो वर्चुअल इरेक्ट यानी काल्पनिक और सीधा बना। देखिए काल्पनिक इसलिए चूंकि डॉटेड लाइन से बना हुआ इमेज है, इसलिए हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। कैसा बना, तो इनलाइज, काफ़ी बड़ा, देखिए ऑब्जेक्ट इतना है और इमेज इतना बड़ा है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो इसमें दो ही कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस F1, नेचर कैसा है वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज कैसा है हाईली डिमिनिश्ड
पॉइंट साइज, देखिए इन्फिनाइट से रे आ रहा है ना, क्योंकि इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज क्या बनेगा, फोकस एफ वन पे। तो चूंकि ये डाइवर्जिंग नेचर का है, रे को डाइवर्ज कर दिया है ना, तो इसके डॉटेड लाइन से बैकवर्ड में खींचा गया है डॉटेड लाइन से, और ये जहाँ पे मिला है यहाँ पे इसका इमेज इमेजिन किया गया, यहाँ पे इमेज बना है ना, कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या है, तो हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। देखिए सेकंड कंडीशन का ये फिगर है, ये फर्स्ट कंडीशन का फिगर था है ना, तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन बिटवीन फोकस एफ वन एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कैसा होगा नेचर ऑफ इमेज, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए है ना, वर्चुअल इसलिए चूंकि डॉटेड लाइंस के कटान बिंदु से बना है, और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज है ना, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनाइट के बीच में रखा हुआ है, ये डबल फोकस, यहाँ पे आप दिखा दीजिए इसको, ये डबल फोकस है, डबल फोकस के बाद इधर इंफिनिटी हो जाएगा, ये भी मेरा ऑब्जेक्ट है, और ए डस बी डस मेरा इमेज है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से एक रे गुजार देना है ना, पास करवाना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पास करने वाला रे रिफ्रैक्शन के बाद इस तरह से डाइवर्ज कर देगा रे को, चूँकि डाइवर्जेंट लेंस के नाम से जाना जाता है। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइन को पास करवा दीजिए, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाला रे और ये डाइवर्जेंट रे का डॉटेड लाइन जहाँ पे कट किया वहीं पे मेरा इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो इमेज देखिए कहाँ बना, ये मेरा एफ वन है और ये ऑप्टिकल सेंटर, तो एफ वन और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कैसा बना, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा देखिए देखने में लग रहा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा और काल्पनिक। तो ये था मेरा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। आगे हम लोग इसका यूज पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग लेंस मेकर फार्मूला को देखेंगे, फिर सिलेबस को आगे बढ़ाते चलेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।